हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हम आज अपने नए वीडियो पे जो है पीयू के बारे में। पीयू पॉलीयूथरीन कोटिंग, एक तरीके की ऐसी फिल्म जो चढ़ती है हमारे दरवाज़ों पे, लकड़ी पे, कोई भी वुडन फिनिश हो, दरवाजे हो, कोई आपने बीडिंग बनवा रखी हो, चौखट हो, किसी भी चीज़ पे आपकी ऐसी कोटिंग जिसका पानी का, धूप का, किसी भी चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो पीओ होता है ये होता है एक तरीके का क्लियर मटेरियल। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मेलामाइन का बताया था, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जो पीओ होता है ये बिल्कुल क्लियर होता है, वाटर वाइट क्लियर बोल सकते हैं, पानी की तरह का लिक्विड। पर हार्डनेस इसकी आप सोच नहीं सकते कितनी हार्डनेस है इसके अंदर। ये एक तरीके की हार्ड फिल्म बनाता है जो क्रैक्स को एक तरीके से रोक के रखती है वुड के ऊपर। दीवारों का तो हमने देख लिया कि दीवार पे रोकती है, क्रैक ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी है। वही चीज़ आपको अगर लकड़ी पे भी मिल जाए तो आप ये सोचे सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। आज मैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेके आया हूँ, ये आप देख रहे हैं, एशियन पेंट्स का वुड टेक पीयू। और मैं पहले ही ये बात क्लियर कर दूँ, पीयू हर कंपनी बनाती है, सारी चीज़ों में आती है। मैं आपको हर तरीके का पीयू नहीं दिखा सकता, मैं सिर्फ वही पीयू दिखाऊंगा जो मैं अपने काउंटर पे सेल करता हूँ। मेरे को कहीं से भी कोई भी मटेरियल उठा के वीडियो बना के आपको राजी करने वाली बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं उसी चीज़ की पूरी एग्जैक्ट नॉलेज दूंगा आपको जिस चीज़ के बारे में मुझे खुद पता है। मैं गलत नॉलेज नहीं फैलाऊंगा आपको, ना मैंने आपको कोई लाइक्स के लिए या उसके लिए कोई फोर्स करना है। मैं आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जो ये आपकी वुडटेक का पीयू आता है एशियन पेंट्स का, ये दो कैटेगरीज में आता है, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में। इसके अंदर भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका क्लियर सीलर आता है, जैसे मेलामाइन में देखा था, मैट आता है और ग्लॉसी आता है। तो इसका मतलब चमक वाला आता है और बिना चमक का आता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शाइन ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ग्लॉस वाले पे जा सकते हैं। आपको मैट ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कोई डल फिनिश हो गई या थोड़ी सी ऐसी हो गई जो आंखों में चुभे ना, तो आप मैट फिनिश के ऊपर जा सकते हैं। जो पीयू आता है इसमें आता है सुपीरियर ग्लॉस रिटेंशन। इसका मतलब जो आपकी चीज़ पे ग्लॉस होगा वो फेड नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने आज पीयू कराया तो वो दो या तीन साल बाद फेड हो जाएगा, नहीं। अगर आप ग्लॉस वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं और आपने ग्लॉस प्रोडक्ट कराया है अपने वुड के ऊपर या दरवाज़ा या किसी भी सरफेस के ऊपर, वुडन सरफेस के ऊपर, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो डल नहीं होगा। क्योंकि जो इसमें कोटिंग है वो बहुत ही हार्ड फिल्म है, धूप का, पानी का किसी का भी फर्क नहीं पड़ता अगर आपने बाहर करवाया हुआ है एक्सटीरियर व्यू। ग्लॉस रिटेंशन के साथ साथ ये मेंटेन करके रखता है आपके वुडन सरफेस के कलर को, चाहे आपने कोई भी कलर कराया हो नेचुरल, इसका मतलब टीक कलर कराया हो, वॉलनट कलर कराया हो, ब्लैक कराया हो, या आपने प्योर व्हाइट कराया हो, किसी भी तरीके का अगर आपने पीयू कराया है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो फेड नहीं होगा कि आपने ब्राउन कराया तो वो लाइट ब्राउन के अंदर हो गया, ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, पर ये बोल सकते हैं 19, 20, 21 का फ़र्क ये नहीं बोल सकते कि 20 और 50 का फ़र्क पड़ गया और आपका कराया हुआ सारा पानी हो गया। सो अब हमने इन बॉक्सेस को कर दिया है अनबॉक्स और इनमें से निकली दो चीज़ें। ये तो आपका हो गया बेस और ये हो गया आपका हार्डनर। ये दोनों मिलके बनाते हैं 1 लीटर की नेट पैकिंग। और पैकिंग के बारे में बताऊं, चाहे आप इंटीरियर लें आप एक्सटीरियर लें, जैसे आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर जो डब्बा छपा हुआ है इंटीरियर में, वो वार्डरोब का छपा है। इसमें अलग से स्पेसिफाई कर रखा है कि ये इंटीरियर्स के लिए है। इंटीरियर्स के लिए है का ये मतलब हुआ कि अगर आप इसको चाहे अपनी टेबल पे यूज़ करें, डाइनिंग टेबल पे यूज़ करें, वुडन सरफेस पे किसी भी यूज़ करें, अंदर करें, वो डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए धूप के और ना वो एक्सपोज होना चाहिए किसी पानी के। और अगर आप एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं, अगर आप एक्सटीरियर पैकिंग लेते हैं, एक्सटीरियर के अंदर ही छपा हुआ है बाहर का दरवाज़ा और इसमें अलग से स्पेसिफाई कर रखा है फॉर एक्सटीरियर्स। इसको आप किसी भी चीज़ पे करा सकते हैं, बाहर अंदर भी ये बिल्कुल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सटीरियर अंदर नहीं हो सकता, एक्सटीरियर बिल्कुल अंदर हो सकता है, बट जो इंटीरियर है वो बाहर नहीं हो सकता। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
वही चीज है जैसे प्लास्टिक पेंट में हमने बात करी थी कि जो आप बाहर वाले प्रोडक्ट्स हैं वो अंदर करा सकते हैं क्योंकि उनकी हार्डनेस बहुत होती है, अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। जो आपका ये पीयू होता है ये होता है थिनर बेस्ड, बिल्कुल ये थिनर बेस्ड होता है, इसको हम ऑयल बेस्ड नहीं कह सकते, इसमें सिर्फ डाइल्यूशन होगी थिनर की। इसमें मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आप एशियन का पीयू लगा रहे हैं तो पीयू थिनर ही लगाएं, किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारी YouTube फैमिली है तभी मैं आपको ये चीज़ दिल से बताता हूँ और दिमाग से भी बताता हूँ, क्योंकि जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंने बहुत लोग परेशान होते देखे हैं, रोज़ ही देखता हूँ कि भाई हमने ये किया हमने वो किया हमारा ये उखड़ गया, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशान होते हैं, बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, कंपनी वाले चक्कर काटते हैं, बात वही निकलती है कि थिनर की डाइल्यूशन ठीक नहीं थी, थिनर की डाइल्यूशन ठीक नहीं थी, एक ही बात रिपीट होती है बार बार। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आप पीयू यूज़ कर रहे हैं चाहे इंटीरियर या एक्सटीरियर, डाइल्यूशन सिर्फ पीयू थिनर की ही होगी और वो भी एशियन पेंट्स का। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसको करने के प्रोसीजर की। प्रोसीजर सबका अलग अलग आता है, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कराएंगे उसका अलग होगा, कंपनी वाले से पूछेंगे अलग होगा, मेरे को देखेंगे आपका अपना भाई इसका अलग होगा, सबका सबका प्रोसीजर अलग अलग होता है। बट मैं वो रिकमेंड करता हूँ जो कंपनी बोलती है, उसके अलावा मैं अपनी कोई बीच की बात नहीं जोड़ता, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर जो होगा एप्लीकेटर हो गया वो आपको अच्छा चाहिए, इसमें कोई चालू काम वाला काम नहीं कर सकते हैं आप, अच्छा काम कराएं, कंप्रेसर के थ्रू काम कराएं। मैं बार बार बोलता हूँ, मेलामाइन में भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूँ, महंगी आइटम है, मेहनत का पैसा है, कपड़े से नहीं करवाना। अगर ये चीज़ है कि वहाँ पे आपकी गन नहीं पहुँच सकती या कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, बट मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कंप्रेसर के थ्रू कराएं, गन्स के थ्रू कराएं, अच्छा कराएं। और अब प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले हमने सैंडिंग करनी है वुड की, या जिस भी सरफेस पे हम कर रहे हैं वुडन सरफेस के ऊपर उसकी करनी है 180 के रेगमार से 220 320 उससे सैंडिंग करनी है, अच्छे तरीके से घिसना है, कोई भी कोना हमने नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ हो जाए हमें खुद बैठ के काम कराना पड़े, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, अच्छे तरीके से होगा, लाइफ बहुत ज़्यादा है, 6 से 7 साल तो ये कहीं जाना नहीं है, मैं 10 साल का बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अपने सामने देख रहा हूँ, आपको मेलामाइन के वीडियोज़ में मैंने फ़ोटोज़ भी दिखाई थी, ये वैसा का वैसा है, इसको टचिंग तक की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो आप सैंडिंग कर दें उसके बाद उसको अच्छे से धोती कॉटन क्लोथ से बिल्कुल साफ़ कर दें, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स उसके ऊपर नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद आपने अप्लाई करवाना है इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादातर जो कारीगर होते हैं इंसुलेटर का यूज़ नहीं करते हैं, और अगर ये भी नहीं कह रहा कि सारे वुड के ऊपर वो लगता है, क्योंकि अगर वुड को ज़रूरत है इंसुलेटर की तभी वो लगेगा, या आप एक तरीके की कोटिंग हो जाती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है, जैसे ग्रीस हो गई, ऑयल हो गई, या कोई भी तेल की आइटम हो गई, उससे आपके वुड को पीयू से पहले, इस तरीके का यूज़ आता है इंसुलेटर का। और आपके इंसुलेटर को लगने के बाद आपने ढंग से चेक करना है कि कहीं पे कोई खुरदरापन, कोई जॉइंट हो गए या वैसा कुछ तो नहीं है, अगर वो है तो आपने उसके बाद यूज़ करना है वुड फिलर को। वुड फिलर मैंने आपको बताया था वाइट में आता है, टीक में आता है, वॉलनट में आता है, ब्राउन, इसके भी कई शेड्स आते हैं, उससे पहले भराई करनी है वुड की अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपने अप्लाई करनी है अपनी वही पुरानी वाली वुड स्टेन। वुड स्टेन जो ये वाली है ये वुड टेक एशियन पेंट्स की है, वुड स्टेन यही अप्लाई होती है, चाहे आप मेलामाइन करा रहे हो, पीयू करा रहे हो, यही वाली वुड स्टेन यूज़ होती है। अब वुड स्टेन को अप्लाई करने के बाद हमने लगाना है पहला कोट पीयू सीलर का, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, चाहे वो पीयू इंटीरियर सीलर हो या पीयू एक्सटीरियर सीलर हो। अब बात करते हैं इसकी डाइल्यूशन की, इसकी डाइल्यूशन किस तरीके से चलती है। इसकी डाइल्यूशन होती है कि आपके जो थिनर होता है वो तो इसमें मैंडेटरी है ही, जो इसकी रेशो आती है वो आती है 4:1 की रेशो, और 30% थिनर, इसका मतलब 1 लीटर के अंदर अराउंड 200 से 300 ग्राम तो आपका थिनर डलेगा जो आपका ये मिश्रण बनता है। अब आप पूछेंगे 4:1 क्या है एग्जैक्टली, पीयू के अंदर 4:1 क्या है,
4:1 है। अगर आप ये पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं 800 ml, तो इसमें आपका 200 ml आर्डनर जाना जरूरी है। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं आधा डब्बा, इसका मतलब आधा लीटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो हार्डनर है वो 100 ml जाना इसके अंदर ज़रूरी है। वरना इसका एक तो सूखना मुश्किल हो जाता है, इसका बैठना मुश्किल हो जाता है, और जो इसकी लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और जो डाइल्यूशन होती है, इसका मतलब अगर आप 1 लीटर ये यूज़ कर रहे हैं, PU यूज़ कर रहे हैं, उसमें 200 से 300 ml जो आपका डलेगा वो डलेगा PU थिनर, तब जाके इस चीज़ की डाइल्यूशन पूरी होगी। जो हमारा ये मिक्सचर बन जाता है, इसका मतलब PU का बेस हार्डनर और हमारा थिनर, जो ये पूरा का पूरा मिक्सचर बन जाता है, इसको हमें आधे घंटे के लिए नॉर्मली छोड़ना पड़ेगा अनटच्ड। अनटच्ड इसलिए छोड़ना है, मतलब एक स्थिर सी पोजीशन के अंदर हमें इसके लिए रखना है कि कोई बबल पार्टिकल हो या कुछ भी होगा जो मिक्स किया होगा हमने डंडे से या किसी भी चीज़ से, वो वैसे का वैसा बिल्कुल बैठ जाए और नॉर्मल अपने स्टेट में आ जाए जो वो होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है जब आप PU कराएं, कि जब भी आप PU कराएं या उसका जो मिक्सचर होता है वो 3 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है। अगर आपने 3 घंटे के अंदर अंदर इस माल को नहीं लगाया तो वो पूरा का पूरा आपका गाय भैंस पानी में। सो मैं आपको एक सीधी सी सरल सी भाषा में समझाता हूँ कि आपने एग्जैक्टली करवाना क्या है। जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो मैंने एक तरीके से आपको दे दी, अब मैं आपको समझाता हूँ देसी शब्दों में कि इसका क्या करना है। आपने 2 कोट तो कराने हैं सीलर के, हर कोट के बाद होगी सैंडिंग। मतलब जैसे आपने 1 कोट पहला सीलर का डलवाया, उसके बाद सैंडिंग होगी 150 से 220 नंबर से 320 400, यूज़ करने को 600-1000 तक के रेगमार यूज़ होते हैं पॉलिश करने के अंदर। बट जो कंपनी रिकमेंड करती है वो बड़े नंबर्स बाद में यूज़ करने के लिए बोलती है, स्टार्टिंग में वो चीज़ नहीं करनी है आपने। मतलब छोटे नंबर से अच्छी तरह से उसको घिसवाना है 400 नंबर तक के, और फिर 8 से 12 घंटे उसको छोड़ना है 1 कोट डलवाने के बाद। इसका मतलब पहले कोट में और दूसरे कोट में जो इंटरवल आना चाहिए वो आना चाहिए 8 से 12 घंटे का। 2 कोट आपने सीलर के डाल दिए, उसके बाद आपने डालने हैं 2 कोट टॉप कोट के। टॉप कोट आपका हो गया मैट या ग्लॉसी, वो आपकी चॉइस है, आपको चमक अच्छी लगनी है या आपको मैट अच्छा लगना है, 2 कोट उसके डलेंगे। इंटरवल उसका भी सेम रहेगा 8 से 12 घंटे इंटरवल का कोट। तो अब बात करते हैं इसकी कवरेज की। इसकी कवरेज अराउंड आती है 80 से 90 स्क्वायर फुट पर कोट, स्प्रे से अगर आप कर रहे हैं इसको तो। ये सिंगल कोट के हिसाब से ही इसकी कवरेज निकलती है, डबल कोट के हिसाब से नहीं निकलती। जिस तरीके से मैं आप पेंट का बताता था, ये सिंगल कोट के हिसाब से ही इसकी कवरेज निकलती है। इसका मतलब स्प्रे से जितना भी हो जाएगा 1 लीटर के अंदर, वो अराउंड 80 से 90 स्क्वायर फुट होगा। और अब आते हैं इसके रेट के ऊपर। जो आपका ये PU आता है, चाहे वो इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, ग्लॉस हो, मैट हो, कोई सा भी PU हो, चाहे वो उसका सीलर हो, इंटीरियर का हो, एक्सटीरियर का हो, उसकी अराउंड रेंज जो आती है, अमाउंट मतलब जो उसके पैसे अराउंड आते हैं, वो अराउंड आते हैं 600 रुपये से लेके 800 रुपये के बीच में वो सारा का सारा मटेरियल मिल जाता है। और थिनर की बात करें, थिनर अराउंड आता है 200 रुपये से लेके 250 रुपये के बीच में पर लीटर की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको ये सब की। और जो वुड स्टेन आती है, वुड स्टेन आपकी 1 लीटर की पैकिंग मिल जाती है, आधा लीटर की पैकिंग मिल जाती है, और जो 200 ml की पैकिंग मिल जाती है, 200 ml की पैकिंग का रेट अराउंड आता है आपका 40 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में। सो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, आपको मिलेंगे कल हम एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारे मनोरंजन के साथ, नॉलेज के साथ, और क्राइटेरिया सारी चीज़ें उसमें जोड़ के आऊँगा मैं। और इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहें, मुझे लाइक करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहें। बाय।